एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ प्रीति तिवारी, और प्रीति तिवारी चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अमेजिंग हेयर स्टाइल्स, जो कि गर्ल्स पे काफ़ी अच्छी लगने वाली है, कॉलेज गर्ल्स पे, या फिर कहीं आप जा रहे हो तो भी काफ़ी अच्छी लगेगी। तो कितने हेयर स्टाइल आप वीडियो में देख लीजिएगा, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ आप लोगों से मिस ना हो। लाइक अभी से कर दीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो चलिए फर्स्ट हेयर स्टाइल बताती हूँ आपको। उसके लिए आपको करना है सिंपली साइड से पार्टिंग कर लेनी है बालों की, ये गर्ल्स पे काफ़ी अच्छी लगेंगी, और ओपन हेयर रख रहे हो तो भी काफ़ी अच्छी लगेंगी। तो मैंने यहाँ से पार्टिंग इस तरीके से कर ली है बालों की। पहले आपको अपने हेयर्स का यहाँ से थोड़ा सा सेक्शन लेना है, ओके, टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, और इसको आपस में इस तरीके से ट्विस्ट बराबर सेक्शन लेके इस तरीके से ट्विस्ट करना है। ओके, ट्विस्ट करने के बाद से फ्रंट से एक लेयर लेना है इस तरीके से, और इस लेयर को, ये जो आपने ट्विस्ट किया हुआ है, जस्ट इसके सेंटर से लेके बैक साइड में लेके चले जाना है, और इसको फिर से जो आपने लेयर लिया था वो बैक साइड में चला जाएगा, और फिर से इसको ट्विस्ट करना है हेयर को, और बैक साइड में लगा के एक क्लचर या फिर कोई भी क्लिप से आप इसको सेट कर लीजिए, ताकि आपका ये हेयर लूज ना पड़ जाए। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से क्लचर से सेट करते जाऊँगी, और फिर जो आपने छोटा सा सेक्शन लिया था बालों का और उसको ट्विस्ट किया था, फिर से ट्विस्ट कर दिया हमने, दो दो बार ट्विस्ट करना है, और एक सेक्शन लेना है और इसके अंदर से इस तरीके से लेके जाना है, और इसको पीछे ले जाके टिक टेक क्लिप या फिर ये क्लिप से सेट करते जाना है इसी तरीके से। काफ़ी स्टाइलिश लगेगा और काफ़ी इजी भी है, आराम से बना लोगे। आई होप कि बताने का तरीका समझ में आ रहा हो। फिर से ट्विस्ट किया है, फिर से लेयर लेना है, और इसके सेंटर से ले जाके बीच में से ले जाके और पीछे ले जाके छोड़ देना है, और इस वाले हेयर को दोबारा से ट्विस्ट करना है। जितनी बार आपको करना है आपकी चॉइस है वो। फिर से लेयर लेना है, और इसको सेंटर से निकालते हुए पीछे ले जाके छोड़ देना है। आप जितना चाहो उतना ले सकते हो, मैंने यहाँ पे 3-4 बार ही लेयर लिया है, और इस क्लचर को ओपन कर लेना है, और ये जो आपके लेयर्स हैं इनको पीछे ही सेट करना है। पहले हमने यहाँ पे ये जो लेयर्स था इसको ट्विस्ट कर लिया है, और ये सारे लेयर्स को एक साथ ले लेना है, और बैक में ले जाके टिक टेक क्लिप से इसको सेट कर देना है। टिक टेक क्लिप हो, बॉबी क्लिप हो, जो भी हो, जिससे आपको इजी पड़े, और थोड़े से हेयर लेके इस क्लिप के ऊपर से गिरा देना है। और देखिए काफ़ी प्यारा सा लग रहा है यहाँ पे, है ना, और है भी बहुत इजी सा, तो आप इस तरीके से बना सकते हो। तो सेकंड साइड में आपको सिंपली इस तरीके से ले जाके ऊपर की तरफ हेयर लेके जाओगे। ये वाला आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा हेयर स्टाइल, तो इस तरीके से आप बना लोगे, और यहाँ पे एक क्लिप से इसको सेट कर दोगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल खुले बालों के साथ, जो कि ये काफ़ी स्टाइलिश लग रहा है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसा लग रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया। चलते हैं सेकंड हेयर स्टाइल की तरफ। सेकंड हेयर स्टाइल के लिए सबसे पहले मैं इन बालों को ओपन कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ। सेकेंड हेयर स्टाइल में आपको सिंपली अपने बालों को अच्छे से कॉम करना है, कॉम करके आपको यहाँ से थोड़े से हेयर लेने हैं, ओके, और इसमें एक रबड़ बैंड ऐड करना है, रबड़ लगा देना है एक, इसमें पतला वाला रबड़ भी ले सकते हो। ओके,
रबर लगाने के बाद से सेंटर से इसको होल करेंगे और अपर से ला के इनर इस तरीके से करके इसको थोड़ा सा टाइट कर देंगे। ओके, कुछ इस तरीके का लुक आएगा। फिर आपको इस साइड से हेयर लेने हैं और ये जो आपने बनाया था जस्ट इसके अंदर से आपको ये हेयर को खींच लेना है। ओके, ये हो गया और फिर से इसको टाइट कर लेना है। फिर सेकंड साइड से आपको हेयर लेना है। और फिर इसके अंदर से इन करते हुए इसको खींच लेना है। इसको टाइट कर देंगे और सारे बालों को पकड़ के एक क्लचर ऐड कर देना है यहाँ पे और थोड़ा थोड़ा इसको इस तरीके से खींचना है। ओके, और बैक से आपको इसका लुक दिख रहा होगा। अच्छे से कॉम कर लीजिए तो बैक का लुक कुछ इस तरीके का दिखेगा और फ्रंट से कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो काफ़ी अच्छा पफ का लुक भी आ गया है और काफ़ी अच्छा दिख रहा है फ्रंट से भी एंड बैक से भी। तो ये हमारा सेकंड हेयर स्टाइल हो जाएगा। चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। थर्ड हेयर स्टाइल में आपको सिंपली यहाँ से इस तरीके से हेयर ले लेना है। ओके, इस तरीके से हेयर लेने के बाद से आपको यहाँ पे एक क्लचर लगाना है। आप कोई सा भी क्लचर यूज कर सकते हो यहाँ पे। ओके, क्लचर लगाने के बाद से थोड़ा थोड़ा हेयर खींचेंगे और इस साइड से जो हमारा हेयर है इसको थोड़ा सा लेके जाएंगे और थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट कर लेंगे। ओके, ट्विस्ट करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके का आएगा। फिर यहाँ से ऊपर की तरफ से लेके जाएंगे और इस साइड में ला के इसको ऐसे ही कर देंगे। ओके, और फिर सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड से हेयर ले लेना है और इसको भी ट्विस्ट करना है दूसरी साइड में ला के क्लचर के अंदर से इसको इन कर लेना है। और ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल हो गया। और फ्रंट से कुछ इस तरीके का लुक आएगा। हेयर्स आप निकाल सकते हो, आपकी चॉइस है। तो चलते हैं फोर्थ हेयर स्टाइल की तरफ। फोर्थ हेयर स्टाइल में आपको सेंटर से थोड़े से हेयर लेने हैं इस तरीके से। देन इसमें लगाना है एक रबड़ बैंड आपको। रबर बैंड लगा के इसको बीच से होल करना है। ओके, और इसमें इस तरीके से हेयर को खींच लेना है और इसको टाइट कर देना है। ओके, जस्ट फिर सेकंड वाले पार्ट के यहाँ से जो हेयर बचे हुए हैं इनको भी लेना है। दोनों साइड से ऊपर की तरफ लेके जाना है। अच्छे से कॉम करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और यहाँ पे एक इस वाले लेयर में भी रबड़ बैंड लगाएंगे। ओके, आप देख सकते हो ये वाला लेयर मेरा अलग है, फ्रंट की तरफ मैंने छोड़ दिया है। अब इसको पीछे वाले लेयर में रबड़ लगा लेंगे। ओके, टाइटली करने के बाद से और इसको भी इस तरीके से होल करेंगे, अंदर की तरफ से इन कर लेंगे। तो टाइट करेंगे। अब जो हमने ये वाला लेयर बनाया था इसका जो गैप था उसके अंदर से इस तरीके से ले जाएंगे और बैक वाले चोटी को, बैक वाले पोनी को इसके अंदर से लेके आएंगे। ओके, तो पहले पीछे वाले को टाइट कर देंगे और फिर ये फ्रंट वाले को टाइट करेंगे ताकि रबड़ हमारा हाइड हो जाए। और ये हमारा फोर्थ हेयर स्टाइल होगा। ये भी काफ़ी अच्छा दिखता है। वाह, इसका लुक कुछ इस तरीके का आएगा, गर्ल्स पे काफ़ी अच्छा लगेगा।
और बैक से कुछ इस तरीके का दिखेगा ये। ओके, तो चलते हैं पांचवे हेयर स्टाइल की तरफ। अब इसी हेयर स्टाइल में आप पांचवा हेयर स्टाइल कर सकते हो। इस तरीके से लेयर्स को लेना है, बैक में जो हमने पोनी बनाई थी उसको भी ले लेना है। अब दोनों को आपस में ट्विस्ट कर देना है। ट्विस्ट करने के बाद से सिंपली आपको इस तरीके से यहाँ पे एक बन का लुक देना है और यू पिन से या फिर बॉबी क्लिप से आप इसको सेट कर दोगे। ओके, और ये हमारा पांचवा हेयर स्टाइल हो गया। वाव, काफ़ी अच्छा लगता है, स्टाइलिश लगता है कॉलेज गर्ल्स के लिए। सिंपली गर्ल हो, बेबी गर्ल्स हैं तो भी अच्छा लगेगा, और उनके बाल लॉन्ग हैं तो। और तो ये हमारा पांचवा हेयर स्टाइल हो गया। छठे हेयर स्टाइल में क्या करना है, बैक से आपको हेयर ले लेना है, तो अच्छे से कॉम करना है और इस वाले बन के ऊपर से लाके लपेटते हुए यू पिन से इसको सेट कर देना है। ओके, तो सेम इसी तरीके से दूसरी साइड का भी हेयर लेना है और लपेटते हुए यहाँ से लेके आना है और यू पिन से सेट कर देना है। तो आज का हेयर स्टाइल है बहुत ही इजी है, बहुत ही स्टाइलिश है। सॉरी कॉल आ रहा था। तो इस तरीके से सिक्स हेयर स्टाइल होगा। लास्टली मैंने हाई बन बना लिया ताकि मुझे घर में रहने और मुझे काम करने में प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए। और इसको मैं टाइटली दो तीन यू पिन्स लगा लेती हूँ। ये भी काफ़ी अच्छा दिखता है, इस तरीके से आप मार्केट वगैरह भी जा सकते हो। और मैं ज़्यादातर हाई बन ही बनाती हूँ घर में हेयर स्टाइल, और ये काफ़ी स्टाइलिश भी लगता है। तो ये हो गया हमारा छठा हेयर स्टाइल। तो आपको कौन सा हेयर स्टाइल सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, इजी लगा और कंफर्टेबल लगा? मुझे कंफर्टेबल सिक्स वाला हेयर स्टाइल लगता है। बाकी आपको जो पसंद है आप कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी मैं इस तरीके की अमेजिंग वीडियोज और आसान और हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। तो आज के लिए तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। हाँ, इंस्टा आई डी पर जरूर जाइएगा, PreetTiwari24 है, और जो मेरा दूसरा चैनल है इस पर मैं सिलाई का काम बताती हूँ, प्रीत सिलाई कोर्स प्रीत तिवारी, उस चैनल पर भी जरूर जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।